लड़के, तो उनमें क्या किसी का वेट हल्का है और किसी का ज्यादा है, ठीक है। तो अब पता चली कि हमने वो अपना जो स्टाइल बनाया एक मॉडल के हिसाब से बनाया, अब पता चली उस मोटू को नहीं आ रहा है, ठीक है, मोटू कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ग्रेडिंग करके क्या हम साइज बढ़ा लेंगे तो उसको पहनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल जो हम ग्रेडिंग डालते हैं, हमारे पास एक तो होता है टैग पैक, ठीक है, और एक हो गया हमारे पास टैग पैक है ही नहीं, सैंपल मिल गया या किसी ने लिख के दे दी, तो हम कैसे ग्रेडिंग डालेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, फॉर्मूले हैं, एक दो फॉर्मूले हैं जो जैसे डोमेस्टिक बेस है, ज़्यादातर अगर इंडिया में अगर कोई काम होता है तो डोमेस्टिक फॉर्मूले पर ही चलता है, ठीक है। कुछ लोग क्या अपने मेजरमेंट के हिसाब से करवा लेते हैं। ग्रेडिंग करने का रीजन क्या है, आपको मान लो जैसे एक ही उम्र के कुछ लोग हैं, मान लो जैसे मान लो 20-20 साल के लड़के हैं 10 या 5 मान लो आप, ठीक है, 5 लड़के हैं, तो उनमें क्या किसी का वेट हल्का है और किसी का ज़्यादा है, ठीक है। तो अब पता चली कि हमने वो अपना जो स्टाइल बनाया एक मॉडल के हिसाब से बनाया, अब पता चली उस मोटू को नहीं आ रहा है, ठीक है, मोटू कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ग्रेडिंग करके क्या हम साइज बढ़ा लेंगे तो उसको पहनाएंगे, ठीक। और एक होता है उम्र के हिसाब से, जब हमारी एज ढलती है तो हमारे क्या फिगर चेंज होते हैं, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, किसी को देखोगे कि एक मॉडल की तरह रहेगा लास्ट तक, 45-50 साल का है तब भी वही उसका फिगर है, कम और हो गया बढ़ने की जगह, और किसी को देखो तो कोई तो इतना फैल जाता है उसकी 50 इंची वेस्ट आती है, ठीक। तो हम जब भी काम करते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें ये साइज है, जैसे मॉडल आपकी मान लो 17 साल की है, 18 साल की है, उसके हिसाब से काम करते हैं। अब मान लो वही गारमेंट अगर 20 साल वाले को पहनाना है या 25 साल वाले को पहनाना है या मान लो उससे 14 साल वाले को पहनाना है या 12 साल वाले को पहनाना है तो कैसे पहनाएंगे, ठीक है। तो ग्रेडिंग करने का मतलब यही है, अगर यही डिजाइन है तो इससे छोटे बड़े लोगों को कैसे पहनाएंगे, ठीक है, जिनके चेस्ट वगैरह बॉडी कम है और जिनके ज्यादा हैं तो उनको कैसे पहनाएंगे। तो ग्रेडिंग का मतलब होगा डिजाइन भाई साइज छोटे बड़े करने हैं, ठीक है, क्या है, साइज बस छोटे बड़े करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लोगे तो जैसे एक दो बच्चा कमजोर ले लो, जैसे हमारे एक बच्चा कमजोर है, अगर इस और इसको ले लो, ठीक है, अगर इनको दोनों को लोगे तो एक ही स्टाइल नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, या तो उनके हिसाब से बनाओ या इनके हिसाब से बनाओ या फिर कस्टमाइज बनाओ, ठीक है। एक्स जब बड़े में कोई काम होता है जैसे सिंगल पीस बन रहा है आपका तो कोई इशू नहीं है, अगर जैसे मान लो 1000 पीस बनने, 10,000 पीस बनने, तो 10,000 लोगों का तो नाप नहीं लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर एक साइज में बना देते हैं और उसके हिसाब से जिसको जो आता है लूज आ रहा अपना फिटिंग करा लो या जिसको फिट आ रहा अपना पहन लो, ठीक है। तो उसमें साइज मिल जाते हैं तो अपना ईजी हो जाता है, मुझे ये साइज नहीं आ रहा तो इससे बड़ा साइज दिखाओ। आप भी कपड़े अगर खरीदने गए होंगे तो आपको कभी देखा होगा कि आपको 32 की पैंट नहीं आ रही, मुझे 30 की दिखाओ या मुझे 34 की दिखाओ, ठीक है। ऐसे ही ये बॉडी में खेल रहता है। ग्रेडिंग समझ में आ रही है, ठीक। अगर आपको मेजरमेंट दिया है तो आप इजी हो, ग्रेडिंग कैसे आपको करनी है, ठीक है, वहां पे भी ये फॉर्मूला ऐड करेगा आपको। अगर मान लो मेजरमेंट नहीं दिया है तो आप कैसे ग्रेडिंग करोगे, ठीक है, आपको तो ग्रेडिंग करने आनी चाहिए ना, कि आपको मेजरमेंट दे दिया, ठीक है, नहीं दिया किसी ने ग्रेडिंग, किसी ने बोली 2 इंची ग्रेडिंग डाल दो, तो आप 2 इंची का जो फॉर्मूला है या दो 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 का या ढाई का, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका कहाँ कितना बढ़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तो चीज़ समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, पहले आप इस पर समझ लो, इसका करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, सिस्टम पे भी करके मिलेगा, पहले इसे समझ लो। जैसे मैंने ये फॉर्मूला हमारा ये है, ये वाला, ठीक, चेस्ट का आधा आरमोल, ठीक है, हमने कोई बैलू नहीं रखी है यहाँ पे, अभी कोई बैलू नहीं रखी है मैंने, ठीक है। चेस्ट का आधा कितना आएगा, आरमोल, जैसे चेस्ट मान लो यहां से यहां तक गई और ये गई, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, चेस्ट ही होगी आपकी, यहां से यहां तक चेस्ट कितनी है, मान लो आपकी 36 इंची है, ठीक, आपकी जो चेस्ट कितनी है, 36 इंची है, ठीक, तो ये कितनी है, 18 इंची, और ये भी 18 इंची है, ठीक, या अकॉर्डिंग टू कम ज्यादा भी हो सकती है। चेस्ट का आधा में बनाना है आरमोल, आरमोल बोले तो ये है, ठीक, और ये आ गया आरमोल, ठीक है, जस्ट इसके पैरेलल दूसरी साइड का, ठीक है। उसका आधा क्या लिखा है हमने, आरमोल का आधा अक्रॉस शोल्डर, अक्रॉस शोल्डर यही हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आएंगी, ये अक्रॉस फ्रंट होता है, ये बैक होता है, होता तो अक्रॉस ही है, क्या तो चीज क्लियर है। अगर
एक क्रॉस शोल्डर का आधा क्या होता है? नेक विड्थ। नेक विड्थ आपको ये दिख रही है, यहां तक चीज समझ में आ रही है ठीक। नेक विड्थ, और नेक विड्थ का आधा क्या है? फ्रंट नेक ड्रॉप। फ्रंट नेक ड्रॉप कौन सी है? ये वाली, यही है। बैक में हम नहीं दे रहे ठीक है। बैक में नेक ड्रॉप क्यों नहीं देते, उसका रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो आपका कॉलर वाला पैंट वो है, शर्ट है, तो बैक में नेक ड्रॉप देने का मतलब ये थोड़ी ना कि पीछे गला भाग रहा है, पता चले कॉलर आपका पहले ऐसे चिपका हुआ बैठा है, फिर वो फैल के ऐसे हो गया पीछे को ठीक है। बैक में नेक ड्रॉप रहती है रेयर केस में, अकॉर्डिंग टू बायर के। डोमेस्टिक तो रहती नहीं, सिंपल सी बात है। अगर रहेगी भी तो फ्रंट नेक ड्रॉप कम से कम 6-7 इंची होगी, उसके बाद वो डिमांड कर सकता है ठीक है। अगर वो कह रहा है वो आधा इंची है, उसमें भी कह रहा है बैक नेक ड्रॉप डाल, तो आप मन डालना, तो आपको टेक्निकली पॉइंट नहीं आएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? अब जैसे मान लो ये आ गया, इतनी इतनी चेस्ट है, क्योंकि पोजिशन हम लोग समझ गए सारी फॉर्मूले की, इसको रट लेना है आपको ठीक है। चेस्ट का आधा आर्मोल, आर्मोल का आधा शोल्डर, एक्रॉस शोल्डर, एक्रॉस शोल्डर का आधा नेक विड्थ, नेक विड्थ का आधा फ्रंट नेक ड्रॉप। यहां तक चीजें क्लियर आ गई? अब किसी ने बोली मुझे 2 इंची की ग्रेडिंग डाल दो, उसमें कितनी डालनी है? 2 इंची ग्रेडिंग। अब जैसे ये 36 है, मुझे बढ़ाना है इसको 38, यही है ना, मुझे क्या बनाना है इसको 38 बनाना है। यहां तक चीजें क्लियर है? तो चेस्ट में कितना फर्क पड़ा? 2 इंची का। आधा इंची मान लो आपका इधर बढ़ गया इस पॉइंट पर ठीक, आधा इधर बढ़ गया, आधा इधर बढ़ा और आधा इधर बढ़ा, कितना हो गया? 2 इंची। 2 इंची का आधा कितना होगा? 1 इंची। आर्मोल हमारा कितना बढ़ना चाहिए? 1 इंची। तो हम इसको आधा इंची इस वाले में बढ़ाएंगे और आधा इस वाले में बढ़ाएंगे ठीक है। आर्मोल हमारा हमेशा हमारा एक तरफ का काउंट होगा, जैसे ये फ्रंट का इधर का है और ये फ्रंट का है, आधा इंची इसमें बढ़ेगा और आधा इंची इसमें बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया? 1 इंची। अब 1 इंची का आधा कितना होता है? आधा होता है। आधा कैसे बढ़ाओगे? आपका जैसे मान लो अक्रॉस शोल्डर है, ये मान लो कितना है? 14.25 है, आधा इंची बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 14.25। बढ़ाओगे कैसे? 2 सूत इधर बढ़ेगा और 2 सूत इधर बढ़ेगा ठीक है, आधा ही बढ़ा रहे हैं ना आर्मोल का आधा। आर्मोल हमेशा जब भी कोई वैल्यू अगर ये फॉर्मूले दिए तो ये सरकमफेरेंस को करते हैं, सरकमफेरेंस मतलब चारों तरफ नापते हैं, ये नहीं कि हाफ में आपने नाप लिया। चेस्ट हमने नापी, चेस्ट टोटल कितनी बड़ी? 2 इंची। टोटल हमारा बॉडी में आर्मोल कितना बड़ा? 1 इंची। 1 इंची का आधा हमारा शोल्डर कितना आना चाहिए? आधा इंची। अगर आधा इंची हमारा बढ़ गया तो उसका आधा कितना आना चाहिए? 2 सूत। आधा इंची का आधा कितना आएगा? 2 सूत। तो हम क्या करते हैं, नेक विड्थ इधर बढ़ाया 1 सूत और 1 सूत इधर बढ़ जाती है, बढ़ गई ठीक है, 2-2 सूत हमारा इधर बढ़ाया। ऐसे ही जितना एक्रॉस बढ़ाता है शोल्डर, उतना ही हमारा एक्रॉस फ्रंट बढ़ जाता है। जो वैल्यू आपकी यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ बढ़ेगी, नहीं तो आपकी आर्मोल की शेप खराब हो जाएगी ठीक है। इनकेस मान लो गड़बड़ दे भी रखा है तो आप उसको सही कराएंगे, मेल डालो कुछ भी डालो, अगर दिया है बाहर ने तो आप उसको ठीक कराओ, क्योंकि पता चली आपने यहाँ तो दिया, पता फिर उसकी शेप क्या हो जाएगी ना, ऐसे जाएगी शोल्डर की, क्योंकि यहाँ कम स्पेस रह गया, यहाँ ज्यादा हो गया ठीक है। जितना अक्रॉस शोल्डर होगा आपका उतना ही अक्रॉस फ्रंट होगा। यहाँ तो चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है? उसका आधा क्या होगा? नेक विड्थ का आधा फ्रंट नेक ड्रॉप। नेक विड्थ कितनी बड़ी हमारी? 2 सूत, तो फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी हो जाएगी? 1 सूत। यहां तक चीजें क्लियर है? अब इसको देख लो, अब जैसे ये बन गया, अब इसको आएगा कैसे लुक मैं वो दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैं एक पैड बना लेता हूं, यहां पे फ्रंट मैंने बनाया ठीक है, ये हो गया। नॉर्मली क्या है, जैसे हमने ग्रेडिंग डाली यहां पे, ये ठीक है, और मैं यहां से ले गया ऐसे करके, मेरी ग्रेडिंग आ रही है ऐसे आई और ऐसे आके ये पूरी हो गई ठीक है। एक साइड का आप फोकस करके चलेंगे, इधर का देख लो ठीक है, मैं इधर का मिटा दूं, आप बना देते हो थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा आपको, रबड़ छोटी हो जा, मैंने तो 2 रुपए वाली खरीदी है, 10 रुपए वाली आ गई ठीक है। यहां तक समझो, शेप आपकी इस तरह से आएगी। अब इसमें क्या है, इस वाली जो शेप में है, जैसे हमने आधा इंची इधर को बढ़ाया है इस वाले में ठीक है, कितना बढ़ाया है? आधा इंची,
और तीन सूत हमने क्या किया, डाउन कर लिया। तो ये राउंड में कितना बड़ा टोटल, आधा इंची। आधा इंची अगर फ्रंट में बढ़ गया तो आधा इंची बैक में बढ़ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? आधा इंची अगर मान लो ये बढ़ाया तो आधा इंची इस साइड बढ़ेगा और जस्ट इसकी बैक होगी, एक इंच इसमें बढ़ेगा तो एक इंची दो इंची चेस्ट हो गई। दो सूत मान लो हमने इधर बढ़ा दिया, ये कितना बढ़ाया, दो सूत, दो सूत उधर हुआ, दो सूत इधर, कितना हो गया, आधा इंची। नेक विड्थ मान लो हमने एक सूत बढ़ा दी इधर को, एक सूत उधर और एक सूत इधर, तो कितना हो गया, दो सूत। और जस्ट जितना एक सूत इधर बढ़ाया एक सूत यहां बढ़ा दो, क्योंकि इधर इधर तो दो काउंट हो रहे हमारे, यहां तो एक ही होगा, एक सूत आप यहां बढ़ा दो, आपकी होगी ग्रेडिंग। यहां तो चीजें क्लियर है? अब जैसे मान लो आपके पार्ट में आ गया योग, सपोज करो आपका यहां पे आ गया योग ये, ठीक। अब यहां से यहां तक आप क्या देखोगे कि योग में ग्रेडिंग क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा टास्क छोड़ दे रहा हूं, ये नेक्स्ट पार्ट में लूंगा आपका, तो थोड़ा आपको खिचड़ी पड़ जाएगी। नहीं तो जैसे यहां तक आया, अब मान लो एक योग आ गया, एक मान लो और आ जाए या दो तीन आ जाए, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपकी तो एक मान लो ग्रेडिंग नॉर्मल पड़ गई, आपको योग की भी डिजाइन लगभग सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखो, जैसे यहां से यहां तक कितनी हाइट में ग्रेडिंग है, तीन सूत की टोटल, यहां से यहां तक तीन सूत की, तो नीचे डाउन है। इसमें ग्रेडिंग में क्या देखोगे कि ये देखो कि यहां से अगर देख रहे हैं तो किस एरिया में ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, या फिर बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है तो डेढ़ सूत डाल दो, ठीक है। बराबर आ रहा है तो डेढ़ डेढ़ सूत आप खिसका दो, या आपको लग रहा है दो कुछ, दो सूत खिसका दो कुछ खिसका दो। जैसे कि एग्जांपल ये देख लो, जैसे ये पॉइंट है एक, ये आ गया इधर है, ठीक। अब मान लो इसमें मुझे ग्रेडिंग डालनी है, कितनी डालनी है, तीन सूत की डालनी है। मैं कहां पे कितनी वैल्यू डालूं, मान लो एक पार्ट मेरा ये है और दो पार्ट के बराबर ये है, अगर इसको टेन डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में डालेंगे दो सूत और इस वाले में डालेंगे एक सूत, टोटल हमारी कितनी हो गई, तीन सूत। ऐसे ही आपको इसमें करना है, इसमें क्या करना है, टोटल तीन है, डेढ़ इसमें डालो डेढ़ इसमें, ठीक है। अगर मान लो इसमें एक डार्ट दे दी गई, सपोज करो यहां से ये वाली, अब इसको कैसे डालोगे, जो आपकी ग्रेडिंग जैसे हाइट में कितना है, यहां से कितना है, ये समझ आ रहा है। ये मान लो यहां से जितनी, जैसे ये हमारी कितनी तीन सूत की है, डेढ़ डेढ़ सूत इसको लोगे तो भाई बेसिकली बात है कि तीन सूत ही खिसका, पॉइंट अगर जोड़ दो डेढ़ डेढ़ सूत दोनों खिसकाओ तो तीन ही सूत खिसक गया, उससे कोई मैटर नहीं, उसे छोड़ दो। अगर मान लो ये आपका पॉइंट है, देखो आधा इंची आपका इधर खिसक गया ये, ठीक है। यहां से यहां तक कितनी ग्रेडिंग है इसमें, आधा इंची, तो इसका हाफ खिसका लो इधर, इसका दो इधर, दो सूत इधर खिसक गया मान लो आपका, यहां से आ गया ऐसे, ठीक है। अब क्या है, ये हाइट में भी खिसका है, हाइट में कितना खिसका है, तीन सूत खिसकाया है आपने, आधा इंची खिसकाया है, उसका इतना प्लेसमेंट चेंज कर दो यहां पे, जितना भी आ रहा है इजीली आ जाएगा। मैं इसको उस पर से मान देता हूँ बोर्ड, उस पर कंप्यूटर पे वो ज्यादा ईजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसको एक चीज और ले लो, इसमें पॉइंट अगर मान लो जैसे ये पॉइंट बढ़े, आर्मोल बढ़ गया, ठीक है, और इसका गला बढ़ गया, जैसे मान लो नेक वर्थ हमारी इधर बढ़ी, जितना हमारा गला बढ़ा उस हिसाब से हम ग्रेडिंग इधर डालेंगे इसमें, जैसे ये है, ठीक, कॉलर है, ऐसे ग्रेडिंग आ जाएगी इसमें। मतलब जहां जो पार्ट अटैच हो रहा है, जैसे गले में पार्ट अटैच हो रहे हैं, इनकी जगह मान लो फ्रिल हो रही है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ाएंगे, ठीक है। ये चाहे एक इंची बढ़े चाहे दो इंची बढ़े, उतना ही आपको जो पार्ट इसमें अटैच हो रहा है वही बढ़ाओगे। अब मान लो जैसे ये बाजू है, यहाँ आपका आर्मोल कितना बढ़ रहा है पर साइज में, एक इंची, तो आपका राउंड जो है वो एक इंची बढ़ना चाहिए, यही है, राउंड जो है आपका एक इंची बढ़ना चाहिए, तभी तो आएगा बराबर। पतली राउंड हमारा आधा इंची बढ़ रहा है और हमारी बॉडी एक इंची बढ़ गई, तो छोटी पड़ जाएगी बाजू एक दो साइज के बाद, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कैसे करेंगे कि हमारा कितने पे आधा इंची आ जाए। आपको ये कैलकुलेट करना है कि हमारा इसमें कितना नीचे बढ़ाएं और कितना इधर बढ़ाएं तो हमारा आ जाए, ठीक है। नॉर्मली हमारी यहां से यहां तक कितनी आती है, बाइसेप में कितना डिफरेंट आता है, तीन सूत का या चार सूत का, किसने किया ग्रेडिंग, ग्रेडिंग करिए किसी ने, किस किसी ने करी है,
हाइट में, हाइट में बताओ कैफ हाइट में कितना हुआ? नहीं आता है, मैं इसका प्रैक्टिकली दिखा देता हूं आपको, ठीक है? वो देख लो, फॉर्मूला समझ में आ गया? इतना समझाने का मतलब ये था कि सिर्फ फॉर्मूला आपको समझ में आए, ठीक है? ये जो बस इतना एरिया है ये समझाना था बस, ठीक है? अगर सिर्फ फॉर्मूला बताते आपको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है तो वो आपको शायद समझ में नहीं आता, ठीक है? अब मैं इसका कंप्यूटर पर कैसे चलता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? मैंने अभी जो फॉर्मूला आपको समझाया था कि अगर आपके पास कोई मेजरमेंट वगैरह अगर कुछ नहीं है तो आप उसमें ग्रेडिंग कैसे डाल सकते हैं, ठीक है? अगर किसी ने बोल दिया आपको 2 इंची ग्रेडिंग डालनी है या ज़्यादा डालनी है तो आप कैसे डालोगे, ठीक? सबसे पहले कि आपको ये चेक करना है आपको ग्रेडिंग किन किन पॉइंटों पर डालनी है। तो आप इसमें देखो, जैसे हमारी बेस्ट पर डालनी है, जिन जिन पॉइंटों पर आपको ग्रेडिंग डालनी है पहले उन्हें ग्रेड कर लो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? जैसे अक्रॉस पर डालनी है तो अक्रॉस का ग्रेड है कि नहीं, ये हमारे इस वाले अक्रॉस पर डालनी है तो इस पर ग्रेड है कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करके चलनी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब मान लो देखो, मैं ग्रेडिंग डाल रहा हूँ इस वाले में, ठीक, और मैं इसमें डाल रहा हूँ। सबसे मैं साइज करूँगा इसका चेंज, पहले एक बेसिक साइज बना देता हूँ, इसका मैं डाल देता हूँ साइज मीडियम, ठीक है शेरू, या स्मॉल कोई भी ले लो एक साइज जो आपको सूटेबल लगे। और जब भी आप लिखें तो बड़े कैपिटल में लिखें, जब भी आप लिखेंगे तो बड़े साइज में लिखेंगे ताकि सामने वाले को दिखता रहे। सैंपल जो बनाते हैं लोग, और सामने वाले मान लो मास्टर पढ़ा हुआ, हो सकता है मास्टर जो नीचे बंदे हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो बड़ी अंग्रेजी हर कोई पढ़ लेता है, ठीक है? छोटी अंग्रेजी जल्दी पकड़ में नहीं आती, दिख रहा है? अब इसको क्या ग्रेडिंग करेंगे हम, तो इसमें साइज सेट में जाओ, ठीक है? जितने आपको, जैसे 2 ऊपर साइज चाहिए तो 2 ऊपर ले लो, ठीक, और 2 नीचे चाहिए तो नीचे ले लो, ठीक है? सबके कलर अलग अलग रखा होगा जिससे आपको पहचान बनी रहे, ठीक है? ये कौन सा हो गया आपका? अच्छा, इसमें हमने स्मॉल डाला है, इसको कर लेता हूँ मैं मीडियम, ठीक है? ये लो, और ये हो गया हमारा स्मॉल, और इसके बाद में ये एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है? इसके बाद ये हो गया लार्ज, और ये हो गया एक्सल, ठीक है? एक्स्ट्रा लार्ज, और भी रहते हैं मतलब साइज डिफरेंट, ठीक है? जैसे ये दोनों कलर लगभग सेम लग रहे हैं, है ना, तो इनके कलर चेंज करो। हाँ, लाइट डार्क थोड़े कलर रखो, उससे ये पता रहेगा आपका कि दिक्कत तो नहीं है कोई। एक ही जैसे होगा, फिर हरे ले लो, ठीक है? अब अलग अलग दिख रहे हैं कलर, कहने का मतलब ये 2 नीचे के कलर ऊपर के कलर दोनों अलग दिखने चाहिए, जैसे आपको ग्रेडिंग साफ दिखती रहे। ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं? उसके बाद आ जाओ, सबसे पहले स्केल चेक कर लो, इसमें किस में इंची में बन रहा है या सेंटीमीटर में बन रहा है। यहाँ ग्रेडिंग टेबल ले लो, यहाँ पे आके व्यू, ये ग्रेडिंग टेबल होगी आपकी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? इसको आप चाहो तो थोड़ा बड़ा कर लो ताकि आपको दिखती रहे, ठीक? हमें डालनी, मान लो इस वाले पॉइंट पर ग्रेडिंग डालनी है, कितनी डालनी है बताओ? कितनी? 0.5, ठीक है? इसको जाओ इक्वल कर लो, ये आ गई। अभी क्या है, ज़्यादातर क्या होता है आपको कलर नहीं आते, ठीक है? उसकी भी सेटिंग है, प्रीफ्रेंस में जाओ, कलर वाले ऑप्शन में ले लो, ठीक है? सेटिंग है, हाँ सेटिंग में जाओ, ठीक है? यहाँ दिख रहा है ना कलर वाई कमांड, ठीक है? यहाँ कर दो भाई साइज, ठीक, अप्लाई करो, ओके करो। अब देखो जो आपने कलर भरे होंगे वो सारे आपको दिखने लग गए। ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं? हम इसका क्या है, कलर हल्का डार्क हो रहा है बेसिक का, हम उसको कलर चेंज कर लेते हैं, हम उसका कलर चेंज कर लेते हैं। इस वाले को हमारा कौन सा था, ये ब्लैक था, ब्लैक था पहले, ठीक है? ये था हमारा, अब कलर अलग दिख रहे हैं आपको। देखो मैंने यहाँ डाल लिया इतना, इसको हाइट में कितना डालना है, 300। इसमें चेक करने का पॉइंट ये, देखो आपके छोटे साइज का कलर कौन सा है, ग्रीन है, तो आपको ग्रीन देखना है आपका छोटा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक? अभी आपके क्या है, नोच हटा दो, मैं नोच का अगले पॉइंट क्लास में दे दूंगा ताकि आपको इजी रहेगा थोड़ा, ठीक है? नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नोच की ग्रेडिंग इजी है, नोच से नोच मैच करोगे, वैल्यू भरो, अपने आप आ जाती है, कोई इशू नहीं है। ये लो, सिंपल हो गई आपको, ठीक है?
ये हो गई कितनी हमारी ग्रेडिंग। अब यहाँ कितनी जड़ेगी, जितनी आपकी अक्रॉस पर डलेगी उतनी यहाँ डलेगी। यहाँ कितनी हमारी ग्रेडिंग 0.25। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लेना, ये जो है इसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, ये डल गई। नेक विड्थ में कितनी है, एक सूट 1/8, इसको इक्वल कर लो। ठीक है, यहाँ पे जाओ, ये देख लेना बाई और एक्स समझ में आता है आपको इसमें। ठीक है, बाई हमारी ये वाली शेप है, ये जो बन रही है, एक ही ध्यान रखो, दूसरी आपको एक्स है, ये ध्यान रखना है। आप बाई ध्यान रख लो या एक्स ध्यान रख लो, ये आपकी कौन सी है, बाई ऐसे। ठीक है, ये जो ग्रेडिंग आपकी आई इसको कॉपी करो, यहां लो पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको पकड़ो यहां पे भी पेस्ट कर दो। ठीक है, यहां जाओ, यहां उल्टी हो गई देखो आपकी। ठीक है, और यहां पे भी उल्टी ग्रेडिंग है, तो इसको फ्लिप कर लो, यहां सेलेक्ट करके राइट दबाओ, फ्लिप का ऑप्शन आता है इसमें। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, यहां पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है सिरो, अब मान लो मुझे यहां से कॉपी करनी है इसको और यहां डालनी, मुझे यहां पर डालनी सिर्फ बाई में, एक्स नहीं डालनी, तो आप ये सेपरेट वाली बाई है इस पर क्लिक करो। ठीक है, दोनों चाहिए तो कॉपी पेस्ट, अलग अलग चाहिए तो आप यहां से ले सकते हो एक्स वाई से। यहां तक चीजें क्लियर हैं, एक हो गई। पहले आप बाहर की ग्रेडिंग देख लो, जो आपने ग्रेडिंग यहां से यहां तक करी है ये वाली कॉपी करो और यहां से यहां तक ये पेस्ट कर दो। ठीक है सिरो, ग्रेडिंग हो गई, फटाफट इसको ग्रेडिंग कॉपी करो और पेस्ट कर दो। अभी मैं इसका डिफरेंट समझाऊंगा आपको। ठीक है, कितना डिफरेंट आ रहा है, यहाँ कॉपी करो और यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दो। ये समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल सी ग्रेडिंग है, ज़्यादा है नहीं। ब्लॉक में कॉपी करो इसको और यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दो उसको। बैक नेक ड्रॉप में ग्रेडिंग डालनी नहीं आपको। ठीक है, ग्रेडिंग नहीं डालनी तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सीधा रखना है इसे। सीधे के लिए क्या, आपको यहाँ पर कर्व नहीं दोगे इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, कर्व दे दोगे तो यहाँ पॉइंट दिक्कत रहेगा, यहाँ से आपको देखना है। यहाँ से देखोगे तो ग्रेडिंग आपकी हट रही है, नहीं देखो थोड़ी थोड़ी इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ से। ये यहाँ पे जो ग्रेडिंग आप इसकी जीरो रखोगे, जीरो जब ही आप रख सकते हो जब ये पॉइंट ग्रेड हो। ठीक है, इसको भी ग्रेड कर लो, इस पे जाओ, इस पे कर दो जीरो, ये जो एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये हो गई, हम इसको अभी सही करेंगे। ग्रेडिंग अगर गड़बड़ होती है तो कैसे सही करेंगे। यहाँ तक ये समझ में आ गई, ये आपकी ग्रेडिंग की कॉपी यहाँ से। ठीक है, यहाँ कौन सी ग्रेडिंग आएगी, बाई की, कितनी आएगी। ठीक है, अभी क्या होगा, ये उल्टी, इसको फ्लिप कर लो ये। ठीक है, इसको कॉपी करो, यहाँ ले लो, पेस्ट करते आओ। फिर कॉपी कर लो एक पॉइंट लेके, ये आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, अब ये देखो इसमें हमारा रेड वाला पोजीशन है वो अलग अलग आ रहा है, मैं इसको दिखाता हूँ, देखो अलग अलग करके देख सकते हो। एक दिखा दूँ सिंगल, दिख रही है ना पोजीशन चेंज हो गई। अब क्या ये हाइट में चेंज हुई है, हमें क्या ब्रेथ में भी करना है। ब्रेथ में हमारी कितनी ग्रेडिंग होती है, यहाँ से यहाँ तक आधा इंची, यहाँ जो आधा इंची है ना, यहाँ से लेके एक साइड से दूसरे से आधा इंची है। ठीक, तो हमें आधे का आधा कितना आएगा, दो सूत। हाँ, तो इसमें दो सूत की ग्रेडिंग डालो फटाफट। ठीक, इसको कॉपी करो, इसको हर साइज में डालो। ठीक है, पेस्ट करो, यहाँ जाओ पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखो होगी ग्रेडिंग। ठीक है, अब आपकी रह गई ये वाली ग्रेडिंग, यहाँ की ये कॉपी कर लो पहले। ये होगी आपकी ग्रेडिंग, यहाँ पे इजी है, बिल्कुल एक ही इजी है। अब क्या है, हमारा पार्ट ये अटैच हो रहा है इस वाले से, मैं इसकी ग्रेडिंग और कॉपी कर लूं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट, हाँ जाओ पेस्ट, यहाँ पे भी जाओ पेस्ट। ठीक है, ये आपकी ग्रेडिंग हो गई।
दिख रही ग्रेडिंग दोनों, ठीक है। अब क्या है, जैसे आप इसमें देख लो ग्रेडिंग में फर्क कितना पड़ा, इस पे आ जाओ जो समझने का पॉइंट है। यहां से लेके हमारी जो चेस्ट है, ये ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? मैग्नेट कर रहा है इस पॉइंट को, ठीक है। एक्सटेंड वो ले रहा है ना, उस पर ग्राफिक ड्राफ्टिंग का ठीक है। ये हो गया आपका कॉपी। हमें यहाँ कौन सी डालनी है भाई, इसको ही पकड़ लो। भाई क्यों, इसको कॉपी करो यहाँ से, लो ग्रेडिंग ये वाली कॉपी कर लो, यहाँ पे जाके ये पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाओ भाई ले लो, ठीक है ग्रेडिंग। अब देख लो इसमें जो आपका मेजरिंग जो फॉर्मूला क्या कह रहा था आपका, बाजू अभी छोड़ दो, पहले ये समझ लो। समझो आपकी ये चेस्ट है, ठीक, हमने इसको नाप रहे हैं यहां से और ये वाली भी नाप ली, ठीक है। देखो अगर समझ में आ रहे हो तो देखो, ये दिख रहा है ना यहाँ पे मेजरमेंट, इस एक चेस्ट से दूसरी चेस्ट में कितना डिफरेंट आ रहा है, 1 इंची का आ रहा है और 1 इंची हमारा मिरर का हो गया, ठीक है। अब हमारा 1-2 इंची हमारा चेस्ट बढ़ गया, जैसे कि हम अगर सपोज करो इसे हटा दो, यहाँ से आधा आधा इंची बढ़ा और आधा इंची यहाँ से बढ़ा, कितना हो गया 1, और 1 इधर से हो गया 2। हमारा बॉडी कितना बढ़ना चाहिए, 1 इंची। 1 इंची आप कैसे मेजरिंग करोगे, यहां आ जाओ इसको क्लियर कर लो, यहां से जाओ सिलेक्ट करो उसको, इसके पुराने पॉइंट हैं, ये ठीक है। 1-1 इंची का वेरिएशन दिख रहा है, दिख रहा है ना ये यहां पे, इसका आधा हमारा क्या आना चाहिए अक्रॉस शोल्डर, ठीक है। शोल्डर देख लो, अब मान लो आपके शोल्डर मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मान लो मैंने पॉइंट लिया इसका, ठीक है। मुझे डबल लेना पड़ेगा इसमें, चलो सिंगल ही ले लेता हूँ, 2 टाइम कर लूंगा, जैसे ये है मेरा पॉइंट, ठीक है। मैंने इसको उसको क्लियर, ठीक, हाफ में है, दो दो सूत बढ़ रहा है ये, और हाफ का इधर बढ़ेगा, जो हाफ का इधर और हाफ का इधर, तो कितना हो जाएगा, आधा इंची। अब सेम इस पे नेक विड्थ पे आ जाओ, जैसे मान लो यहाँ से हमारी जो है नेक विड्थ नाप लेते हैं, ठीक, यहाँ से आओ इधर पकड़ो, और इसमें आता है एक्स वाई का ऑप्शन आता है, ठीक है। मैं इसको कितनी चाहिए, मुझे एक्स में चाहिए, एक्स में चाहिए ना, हाँ प्लस कर लो उसको। इसमें देखो कितनी ग्रेडिंग आ रही है आपकी, 100। ये आपको चीज समझ में आती है, एक्स वाई ऑलोंग स्ट्रेट और कर्व, किस किस को समझ में आती है, नहीं आती होगी तो इनको समझा देना सबको, ठीक है राहुल, हाँ नहीं आती होगी इनको समझा देना, ये चारों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। ये समझ में आ गया, और फ्रंट नेक डॉप देख लो अपनी, ये ठीक है, एक एक सूत का वेरिएशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, चेस्ट का आधा आरमोल, आरमोल कितना बढ़ेगा टोटल, 1 इंची, चेस्ट कितनी बढ़ी है, 2 इंची, तो आरमोल अगर 1 इंची बढ़ा है तो आधा इंची शोल्डर बढ़ना चाहिए आपका, ठीक है। आधा इंची शोल्डर बढ़ गया, उसका आधा नेक विड्थ, नेक विड्थ बढ़ गई, उसकी आधी फ्रंट नेक डॉप, ठीक है। अब इसके पास जो इस पार्ट, इसमें जो अटैच हो रहा है पार्ट,
वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेंथ आपकी जैसे आपकी यहाँ पे बड़ी 300, आप लेंथ को जा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। कैसे उसको, अगर आपको लगता है नॉर्मली लेंथ करती 1 सेंटीमीटर या आधा इंची, ठीक, जंपसूट वगैरह जब भी ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें डबल पार्ट आ जाता है, जैसे पैंट का भी और ऊपर का भी, तो उसमें हमेशा छः छः सूट की ग्रेडिंग रहती है कम से कम। ऊपर का जो बॉडी का पार्ट है उसमें 3 सूट कम से कम, और नीचे का पार्ट है उसमें भी 3 सूट। ठीक है, बाकी डिपेंड ऑन कस्टमाइज के हिसाब से, कोई जैसे आधा इंची बढ़वा रहा है, नॉर्मली आपको कम से कम 3 सूट रखनी है। अगर मान लो आपको यहीं पर आधा सूट आधा इंची रखनी है बॉडी में, तो आप आधा इंची भी रख लो, ये हो गई हमारी कस्टमाइज के हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे, ये नहीं आना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है, टोटल कितनी बढ़ती है हमारी जम सूट में, 6 सूत, मतलब 3 सूत आपकी बॉडी की हो गई, 3 सूत आपकी पेंट की हो गई। ठीक है, कितनी हो गई टोटल, 6 सूत। एक जो नॉर्मल जंपसूट होता है, एक जंपसूट से दूसरे जंपसूट में लेंथ नॉर्मली होती है 6 सूट के वेरिएशन होता है, उससे अगर ज़्यादा रहता है तो वो कस्टमाइज है। कोई कोई जैसे मान लो पैंटों में ही आपको 1-1 इंची का मिल जाएगा वेरिएशन। ठीक है, अब एक ही साइज के लोगों को इतनी लंबाई तुरंत तो बढ़ नहीं जाएगी कि 1-1 इंची बढ़ जाए, वो डिपेंड करता है कस्टमाइज उन्होंने किस हिसाब से अपना रखा है। ठीक है, तो लेंथ आपकी वेरिएशन करती रहेगी। अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है या नहीं है, आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इसको बोलते हैं कि 2 इंची, कि 2 इंची का आप 2 इंची के हिसाब से आप बढ़ा दो, तो वो सिर्फ ये बोलेगा कि 2 इंची के हिसाब से ये बढ़ा दो, आपको बेस्ट भी बिर्थ में जो ग्रेडिंग रहेगी यहाँ से आने चाहिए सेम बढ़ती है। ठीक, वो ये नहीं कहेगा कि आरमोल में एक बढ़ा दो, कि इसमें इतना बढ़ा दो, ये मेजरमेंट में आपको दे देगा। आरमोल कैसे नपते हैं आपके, ये देख लो, एक तो आरमोल नप जाता है आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट, ठीक, एक हो गया ये कर्व। ठीक है, एक आरमोल और नपता है, मैं उसको दिखा देता हूँ। ये आपका आरमोल हो गया यहाँ से HPS से। ठीक है, मैं यहाँ तक पॉइंट ले जाता हूँ, देखो ये आरमोल हो गया आपका स्ट्रेट। ठीक है, जब भी आपको स्ट्रेट आरमोल नापना होगा तो आप इसमें देखो, ये देखो इसमें आ रहा है आरमोल स्ट्रेट आ रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। अगर कर्व में नापना है तो ये हो गई पोजिशन, और HPS से नापना है तो ये सीधा है, बस इतना नापेगा यहाँ तक जितना आ रहा है HPS से। ठीक है, अब इसको मेजरमेंट देख लो, ठीक, ये आ गया आपका और यहाँ से ये आ गया। देखो स्ट्रेट आर्मोल हमारा कितना है, ये 7.5 के लगभग है, और HPS से 9 इंची, और कर्व में नापेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ से लगभग 9 के लगभग है। ठीक है, 9 से कम है, मतलब हाँ 9 के लगभग है। ठीक है, तो ये आपके नापने के जो मेजर करने के मेथड हैं, और यही आपको ग्रेडिंग में मिलेंगे। ठीक है, एक्स इसमें ऐसे ये हो गई आपकी, ठीक है, और बाई ये हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डिस्प्ले की है एक्स और बाई, आपने पैटर्न घुमा दिया उससे कोई मैटर नहीं है, वो आपको देखना क्या है। ठीक है, तो एक्स वाई पे ज़्यादा फोकस ना करके आप ये ध्यान रखोगे पैकेट पैटर्न रखा कैसे है। नॉर्मली जो एक्स वाई होती है ये होती है पैटर्न, अगर ऐसा रखा गया है तो। ठीक है, कुछ लोग क्या है ग्रेडिंग ऐसे रख के करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर बाई ये हो गई, एक्स ही हो गया, अगर नॉर्मली देखेंगे नॉर्मली पैटर्न ये रहता है आपका। ठीक, तो एक्स वाई फ्लेक्सिबल करती रहती है नीडल, ऐसे करके रखो। नहीं, ये फर्क पड़ता है, जैसे ये वन वे की लग रही है, हम ग्रे लाइन चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। मैं अगर इसमें ऑप्शन होंगे तो मैं दिखाता हूँ, कहाँ गया ये है ना, जैसे 2 वे, देखो इसमें दोनों तरफ आने लग गई। ठीक है, अब देखो इसमें 4 वे आएगा, ये मार्कर में बहुत डिपेंड करती है चीज़ें, देखो इधर भी रख सकते हो इधर भी। ठीक है, 8 वे आ जाएगा, और उसके बाद एनी वे कैसा भी रख लो, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा रख सकते हो पीस। ठीक है, एरो जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, 1 वे 2 वे दोनों एक ही रखते हैं लोग, ज़्यादातर शो नहीं करके चलते हैं। ठीक है, ये आपका ये एरो आ गया, एरो आपका इधर है तो आप कोशिश करो कि सारे एरो नीचे ही रहें। ठीक है, ऊपर है तो ऊपर रहें, कोशिश करके ये चलो, कि जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो हमें पैटर्न चेक करना पड़ता है पहले सही है या नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है तो अपने हिसाब से उसे सही कर लो,
मतलब मेजरमेंट नहीं छेड़ने हैं, नाप से पकड़ छेड़नी है। पैटर्न की जो इंटरनल चीजें पड़ी हैं, पार्ट का नाम है नहीं है, लाइनिंग है तो लाइनिंग लिखी है कि नहीं लिखी है, कट लिखे हैं कि नहीं, पता चले सैंपल में चार कट हैं पैटर्न में दो ही लिखे हैं, ये चीज़ें आपके सामने फेस आती रहेंगी, तो आपको सैंपल से क्रॉस चेक करनी है। यहाँ तो चीज़ समझ में आ गई, इसके आगे ले चले, इसके आगे आ जाओ। ठीक है, बॉडी की ये ग्रेडिंग समझ में आ गई, अब आ जाओ इसमें, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। यहां ले लो ग्रेडिंग, आ जा भाई, ग्रेडिंग पिछड़ गई, सीधे हो जा। ये जो लाइन डाली है ना प्रोटेक्ट हो गया, पीस जो प्रोटेक्ट दिखा रहा है इसको, प्रोटेक्ट हो गया ये पीस स्कैप। चल भाई फटाफट हट जा, ये थोड़ा क्रैक है ना तो फंस के भी चलता है ये थोड़ा। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ से ये लो अपनी ग्रेडिंग चेक कर ले, ग्रेडिंग की तो माँ बहन हो गई इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे काम चला लेंगे। यहाँ से कॉपी करो ग्रेडिंग ऐसे, ठीक है, और कहाँ तक डालनी है हमें, यहाँ से यहाँ तक डालनी है ये ना। चेस्ट की कॉपी करेंगे अलग, क्योंकि एक साथ कॉपी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों ग्रेडिंग की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, हो गया सही। अब हमारा आर्मोल पड़ रहा है तो हमें ग्रेडिंग जो इसमें डालनी है, ठीक है, अब आता है टेक्निकल पॉइंट दूसरा। अब मुझे इसमें किस हिसाब से ग्रेडिंग डालूं, पहले ग्रेडिंग देख लो, मैं डाल देता हूँ एक। देखो यहाँ से मैं इधर इसको ले गया और यहाँ तक पॉइंट गया, यही है ना। अब इसमें देखो ग्रेडिंग में कितना डिफरेंट आ रहा है बताओ, ये देखो डिफरेंट दिख रहा है कितना आ रहा है, आधा इंची उधर चाहिए मुझे, कितनी हो जाएगी मेरी डिफरेंट, 1 इंची मुझे चाहिए, कितनी, 1 इंची ही चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें क्या करते हो, देखो मैं इसको और कर देता हूँ, ठीक, इससे आपको इजी रहे थोड़ा। जैसे मान लो आप सपोज करो आपका, मैं यहाँ ग्रेडिंग डालता हूँ, ये कितनी 300, तो यहाँ डाल दो स्लीव ओपन कितनी आती है आपकी 200, आधा इंची की ओपनिंग नॉर्मली, हाइट में नॉर्मली क्या ग्रेडिंग जो जाती है 2 से 250 जाती है। ठीक है, मैक्सिमम जाएगी तो 300 तक। ठीक, हम क्या करेंगे, जो हमारी जो ये ग्रेडिंग है यहाँ की बढ़ाई है इनसीम की, हाँ जी, जो इनसीम की ग्रेडिंग जो ये बढ़ाई है, ठीक है, यहाँ पे अभी काम की चीज़ें मैं समझाऊंगा। इधर देखो, यहाँ पे जो मैंने इनसीम बढ़ाई है वो यहाँ पे मैं रख दूंगा, यहाँ पे मेरी कितनी है 250, बाजू पॉइंट में थोड़े ग्रेडिंग में पॉइंट रहते हैं, मैं समझा दूंगा अभी। ठीक है, इधर आ जा भाई तू पहले फटाफट भाई, इधर देख लो, तो आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाजू की ग्रेडिंग में। ये आपकी बढ़ गई कितनी, 1 इंची। आप सपोज करो उसने कह दी भाई साहब मुझे आधा इंची चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको तो राउंड ही मीट करना है ना इसका, कि आधा इंची आना चाहिए। जैसे अभी हमारा कितना यहाँ पे 300 है भाई साहब, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, यहाँ से हमारी कितनी भाई साहब 300 है, 3 दूनी 6 सूत है, उसने मुझे बोल दी कि 6 की जगह 7 सूत चाहिए, 3.5-3 सूत चाहिए यहाँ से, यहाँ से 3.5-3 सूत चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से आ गया मैं इसको कर लेता हूँ, 6 लेंगे करीब 44 हो जाएंगे ना, 0.44 यही हुआ ना, उसको ये बाइसेप चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, आपका आर्मोल बढ़ जा रहा है, इसमें जो आर्मोल है आपका बढ़ जा रहा है, ये देख रहे हो ना। इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे इसकी जो हाइट है ना वो कम करो, कितनी थी आपकी 2 सूत थी, वो सॉरी 2.5 सूत थी, इसको कर लिया हमने 2 सूत कर लिया। अब इसको नापो,
ठीक है, लगोगा आगे। कहने का मतलब ये है, अगर कैफ हाइट बढ़ाओगे तो बाइसेप कम करनी पड़ेगी, और कैफ हाइट हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसका रीजन अगर ज़्यादा बढ़ा दी तो बाजू ऊपर उठेगी नहीं। कैफ हाइट ज़्यादा होती है उनकी बाजू कभी उठ नहीं। आप कोट वगैरह देखो, ठीक है, उनमें क्या बाजू आप ज़्यादा नहीं उठा सकते हो। ठीक, तो नॉर्मली हमारी जो टॉप में कैफ हाइट चलती है 5 से 5.5 इंची बहुत हो जाती है। ठीक है, इतने पर आप बनाओ मस्त आएगा। 5.5 से आप जूता ज़्यादा जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, फिर बाजू आपको उठाने में दिक्कत होगी। 5 से बेशक कम आ जाओ, ठीक है, भाई सब थोड़ी ज़्यादा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमें फिटिंग भी ध्यान रखनी होती है और कैफ हाइट भी ध्यान रखनी है। ऐसा ना होना चाहिए कि आपको कैफ हाइट ज़्यादा बना दी, बाजू उठ तो नहीं रही है, डिज़ाइन तो आपकी फॉलो हो गई। हमें बनाने के साथ साथ टेक्निकल चीज़ें ही फॉलो करनी पड़ती हैं। ज़्यादा चीज़ समझ में आ रही है? ये वाली ग्रेडिंग हो जाएगी, अब ये ग्रेडिंग कर सकते हो नॉर्मली। फॉर्मूला समझ में आ गया? ये ग्रेडिंग करके इसलिए दिखाइए ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। ये आपका आ गया। अगर मान लो आपका जैसे ये कफ है, यहाँ मान लो आपका कफ लगा हुआ है, ठीक है, तो कितनी आपकी ग्रेडिंग हुई, 1/2 इंची की ग्रेडिंग हो गई यहाँ पे। तो आपका कप भी जो होगा वो कितना बढ़ेगा, 1/2 इंची बनेगा। मैं सपोज के लिए अभी बना देता हूँ कप इसका। नॉर्मली कितना है मेजरमेंट इसका, 5 × 10 है। मान लो हमारा बिना ओवरलैप वाला बन रहा है 10, ठीक है, हाइट कितनी है, 2 इंची का दे दिया हमने। क्या करें, नहीं वो हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है, अभी पॉइंट नहीं बनाना चाह रहा उसको। हमारा कितना बढ़ा ये टोटल, 1/2 इंची, तो हम इसको 1/2 इंची यहाँ बढ़ा लो ग्रेडिंग। कफ में कभी हाइट में कोई ग्रेडिंग नहीं रहती है। इधर देखो, बातें मत करो नहीं लाठी मारूंगा। कफ में क्या है, हाइट में ग्रेडिंग नहीं रहती है, ना कभी कॉलर में आपकी ग्रेडिंग रहेगी। अब मान लो जैसे आपका कॉलर है, कॉलर कैसे नापोगे कितना बड़ा, यहां आ जाओ आप, पहले इसको क्लियर कर लो, गला नापो इसका, ठीक है, कितना है, दो दो सूट से प्लस बढ़ रहा है आपका, कितना बड़ा है, दो सूट से 1 पॉइंट प्लस है। तो कफ भी वो जो आपका जो होगा, क्या बोलते हैं, ए कॉलर जो होगा वो उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, जितना आपका यहाँ बढ़ेगा उतना ये आपका बढ़ेगा, किस हिसाब से, जितना आपने रखा होगा, ठीक है, उस हिसाब से जितना आप रखोगे उस हिसाब से आपकी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। वेरिएशन आपके रहेंगे, जो पार्ट यहाँ अटैच होगा उस हिसाब से उसकी ग्रेडिंग होगी। अब मान लो ये तो होगा सॉलिड पार्ट के लिए। अब मान लो जैसे जिस पार्ट में ग्रेडिंग पड़ी हूँ, वो सॉरी गैदर पड़ी हूँ, गैदर वाला भी आ जाता है ना, तो उसमें चलता है रेशियो का हिसाब, ठीक है। अगर मान लो फ्रिल गले में गैदर है, फ्रिल में, तो उसका कितना बढ़ाओगे, गैदर में उसका कितना बढ़ाओगे। जैसे इसमें मान लो आपका टोटल बढ़ा कितना, दो दो ये दो दो 4 सूट, 4 सूट से मान लो 2-3 पॉइंट प्लस है, ठीक है, आपका यहाँ तक इतना 2-3 पॉइंट प्लस आ रहे हैं। मान लो करीब मान लो 4.5 सूत का भी बढ़ गया, तो उसमें कितना बढ़ाओगे, 4 सूत ही बढ़ेगा, 4.5 सूत नहीं, उसमें क्या है, जितना गैदर होगी उसका रेशियो देखो किस परसेंट पे बढ़ रहा है, या डबल का बढ़ रहा है तो 4.5 सूत का कितना होगा, डबल 9 सूत हो गया, 9 सूत बढ़ाओगे, या फिर कम रेशियो होगा तो कम के हिसाब से होगा। मैं उसको डिटेल में कराऊंगा ग्रेडिंग का, रेशियो के हिसाब से चलेगा, ठीक है। ब्लॉक की आपको समझ में आ गया फॉर्मूला, ठीक है, इससे आगे आप पैटर्न बना के लेके आओगे तो उसमें मैं ग्रेडिंग बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। कॉलर वगैरह आप अब इसमें क्या, आप एक पीस भी ले लो, आप चाहो तो एक पीस ले लो, कोई भी बना लो, कोई सा पीस हो आप ले लो, उस पर आपको कैसे ग्रेडिंग डालनी है। अगर मान लो कट वगैरह आए, जैसे तो सिंपल हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल, यहाँ कट आ गए या मान लो और कहीं कट आ गए, तो उसमें आप कैसे ग्रेडिंग डालोगे। हाँ, योग वगैरह बहुत रहते हैं, मान लो यहीं पे बॉडी में बहुत सारे कट हो जाते हैं, उसमें कैसे डालोगे। तो आप 2-3 पैटर्न बनाओगे अलग अलग, एक में थोड़ा कम कट होने चाहिए, एक में और हो, जैसे आपके पिक्चर में दिख रहा है, आप कुछ नया नहीं लेना, पिक्चर जैसी दिख रही है वैसे बना लेना, तो आपको लग रहा है मुझे ये बनाना चाहिए, तो उसमें ग्रेडिंग कैसे डालोगे उसमें मैं बताऊंगा। अगर ग्रेडिंग सीख गए तो बायर वाली ग्रेडिंग आपको बहुत ईजी हो जाएगी, बायर ने क्या गलत ग्रेडिंग दी है तो आप वो बता सकते हो। अगर मान लो जैसे ये ग्रेडिंग यहाँ पे दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे मान लो इसके कर देता हूँ 3 सूत ग्रेडिंग, कितनी, 3 सूत, ठीक है, तो अब देखो अभी ग्रेडिंग गड़बड़ है, ठीक है, दिख रही है ना गड़बड़। अब गड़बड़ कैसे दिखेगी, अब इसका और मैं दिखा देता हूँ आपको पॉइंट, देखो ये शेप अलग आ रही है और ये इसकी अलग आ रही है, दिख रही है ना शेप अलग पूरी। हाँ, आप कोई भी टेक्निकल चीज में गलतियां जब निकाल सकते हो, जब आप जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, बेस स्ट्रांग है तो आप गलतियां निकाल सकते हो, और नहीं है तो नहीं निकाल सकते हो। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है, तो बेस पे आपको जितनी चीज़ें बनती है उस पर ग्रेडिंग कैसे बता दूंगा। आपको मेजरमेंट कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मेजरमेंट तो सेकेंडरी पॉइंट है कि आप लिखो,
पहले तो बिना मेजरमेंट किसी को कैसे ग्रेडिंग डलेगी? मेजरमेंट आप सीधे सीधे उसने दे दी ग्रेडिंग कि चेस्ट में इतना बड़ा हो तो आप बढ़ा सकते हो, पता चले उसने आर्मोल बढ़ा दिया आपका 1 इंची नीचे, तो आप तो कहोगे एकदम गड़बड़ है ये आर्मोल एकदम ज्यादा। ठीक है, क्योंकि चेस्ट बढ़ेगी उसके हिसाब से उसका आर्मोल बढ़ना चाहिए। चेस्ट मान लो 3 इंची ग्रेडिंग दे दी उसने, ठीक है, जरूरी नहीं कि 2 इंची की है, बड़े साइज में जाकर 3 इंची हो जाती है, 2.5 हो जाती है, 2.25, 3, तो उस हिसाब से इसका आर्मोल भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आर्मोल यही रहे और चेस्ट बढ़ के जा रही है तो फिर पीस में दिक्कत आएगी। ग्रेडिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि सारे साइज एक जैसे दिखने चाहिए, ठीक है, और साइज भी बढ़ जाए, ठीक है, चाहे उसमें 20 कट हो चाहे 10 कट हो, चाहे कट हो या ना हो, यहाँ तो चीजें क्लियर है, समझ में आ गया सबको? ठीक है।